विजय सेतुपति की महाराजा आज भी सोशल मीडिया पर और ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है। इस फिल्म को लोगों ने बहुत पसंद किया। पहले ये मूवी जो है थिएटर्स में रिलीज हुई थी जून के महीने में, उसके बाद इस मूवी को ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया, जिसके बाद ऑडियंस ने इसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि अब बॉलीवुड के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नामी लोग हैं, जो अब इस फिल्म का रीमेक बनाना चाह रहे हैं। वैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ले आया गया है, तो अब शायद बॉलीवुड में इसका पलीता ना बनाया जाए। लेकिन मैं गलत थी, आज मैं ये आपसे कह रही हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब हमारे जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं वो कुछ परफेक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, खबरें ऐसी हैं कि अब आमिर खान इस मूवी का रीमेक बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि इस मूवी के रीमेक के लिए एक मोटी रकम दी जा रही है ताकि इस मूवी के राइट्स खरीद लिए जाएं। और यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान इस मूवी को सिर्फ बनाएंगे नहीं बल्कि विजय सेतुपति की भूमिका भी निभाते हुए नजर आएंगे। वैसे आप लोग को क्या लगता है कि एक मूवी जो साउथ इंडस्ट्री की इतनी फेमस मूवी रही है और इतनी हिट मूवी रही है, वो पहले सिनेमा में रिलीज़ हुई, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई और एक नहीं तीन भाषाओं में रिलीज़ हुई, तमिल, तेलुगू और हिंदी, और अब सेम मूवी का हिंदी रीमेक बनाना कितना सही है, हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। ऐसा मैं आप लोग से इसलिए पूछना चाह रही हूँ कि लोग हिंदी रीमेक तभी देखते हैं जब सेम मूवी का हिंदी रीमेक नहीं आया हुआ होता है, लेकिन इस मूवी का हिंदी रीमेक आया है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसके बाद इस मूवी को हिंदी में आप लेकर आ रहे हो, कुछ नया करो तब तो समझ में आए, क्योंकि बॉलीवुड का ऐसा है कि उन्हें खुद तो कुछ पता नहीं है और उनको बस ये लगता है कि आज ये मूवी मार्केट में आ गई है और ये अच्छी मूवी है, ये सक्सेसफुल रही है, तो चलो आओ इसका हिंदी रीमेक बनाया जाए। लेकिन ऐसे बिजनेस नहीं होता है, ऐसे बॉक्स ऑफिस पर आप अच्छी कमाई नहीं कर पाएंगे। एक साउथ की हिट मूवी का बॉलीवुड में हिंदी रीमेक के लिए आप लोग इस बात से कितने सहमत हैं? आई वॉन्ट टू नो ऑल दैट इन द कॉमेंट सेक्शन।